वो ड्रोन के रुकना भाई, जहर हो गया, हालत खराब हो गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर। उठ गए यार, अभी उठा ही हूँ, जस्ट 7:15 बज रहा होगा। जो नींद आई ना, सामने खिड़की से धूप आ रही है यार, बड़ा सही लग रहा है। अंदर एसी की ठंड हो रखी है, बाहर से धूप आ रही है। बाकी सामान तो अभी यार पैक करना है पूरा, और नहाना भी है। हम भी बिखरे पर हम भी रात में बिखर ही गए थे भाई साहब, लेटे 5 मिनट में सब खत्म, नींद पूरी फुल। चलो फिर यार, जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, सामान पैक करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। लो कोई आ गया गेट पे, चाय आ गई हमारी। ब्रेकफास्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे, तो चलते हैं नीचे बफे में और खाएंगे। थैंक यू भैया, आ जाओ। चाय आ चुकी है, दिन की शुरुआत शानदार चाय के साथ। जल्दी से नहाते हैं, पैकिंग पूरी डन, नहा के निकलते हैं, फिर चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट। सनस्क्रीन आज मैंने पूरी थोप ली है मुंह पे, मेरी आदत है यार, बचपन से ना मैं बोरोलिन भी लगाता था, पूरे होंठ सफेद करके स्कूल जाता था। टीचर बोलती थी, बेटा क्या इतनी लगा क्या? फेल के खाना खाते हैं कोई कदर नहीं छोड़ेंगे। ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, सैंडविच, आलू के पराठे, पूरी, सब्जी, डोसा भी आने वाला है, जूस देख रहे हैं, जूस, कैन वाला जूस, ये रियल वाला। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं फिर। अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, सौंफ खा रहे हैं, बहुत खाना खाया है भर भर का यार। यहाँ का खाना भी अच्छा है, होटल के रूम्स भी अच्छे हैं, इन शॉर्ट होटल यार काफ़ी सही है, मैं रिकमेंड करूँगा। नाम है निकी इंटरनेशनल। चलो भाई लिफ्ट आ गई, लिफ्ट में चलते हैं पहले। हेलो, अब बस निकलना रह गया, सामान पूरा पैक्ड है, बस जैकेट डालनी है, राइडिंग पैंट्स पहनने और फुर। तो ये लो जी अपनी सेक्सी बाइक बिल्कुल रेडी। मेरी बाइक इधर खड़ी है, विनय और जीशान की बाइक उधर खड़ी है, वो लोग बिल्कुल रेडी हो गए। चलो भैया, बाय बाय। चलो भाई सब लोग रेडी। फिलहाल अभी बाइक चलाते हैं फुल स्पीड में, ट्रिप एको करते हैं 0, तो आज की डिस्टेंस पता चलेगी। कल हमने पूरी 600 किलोमीटर बाइक चलाई और टाइम हो रहा है अभी 10:20, तो निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गए, हो ही जाते हैं। सुबह सुबह जब फ्रेश बैठो ना बाइक पे यार, तो जो अच्छी फील आती है ना वो कहीं नहीं आती। और वाह क्या सही ब्रिज है यार, ये रोड्स तो राजस्थान की, मतलब क्या अच्छी रोड्स हैं यार। अरे ये तो मैं भूल ही गया, दिन की शुरुआत करते हैं बजरंग बली के नाम से, तो जय बजरंग बली। ओ भाई हाथी, हाथी मेरे साथी, कितना बड़ा होता है यार हाथी। मस्त लग रहा है। NH 125 दैट गोज टुवर्ड्स जैसलमेर फ्रॉम जोधपुर। वालेसर 57, पोखरण 159, पोखरण तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर कोई मेला लगता है आसपास, तो आपको इतने सारे बाइकर्स दिख रहे हैं रोड पे, पूरा का पूरा सब उसी मेले में जा रहे हैं। कल मैंने बात भी करी थी इनको, और कई मंदिरों में जाना होता है सभी को, तो ये बहुत सारे लोग, मतलब कितनी बाइक्स और गाड़ियाँ आपको बता नहीं सकता मैं। एनीवेज 50 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं, मौसम आज हल्का हल्का गर्म है, और मजे तो भाई साहब फुल आ रहे हैं फुल। सिंगल रोड में एक बड़ी दिक्कत है यार, बहुत ध्यान पर देना पड़ता है रोड पे अगर आप थोड़ा सा तेज चला रहे हो तो, खासकर तो इस वजह से। देखो ये देखो गाड़ियाँ ना अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन से ओवरटेक करती हैं, तो वो ये दिक्कत है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है रोड पे। और अगर आपको सामने दिख रही हो तो मस्त विंड मिल्स चल रही हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं पवन चक्कियां, और यहाँ हजारों विंड मिल्स हैं। ओ अब विंड मिल्स दिख रहे हैं, देख रहे हो क्या बड़ी बड़ी दिख रही हैं। 80 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है, बाकी गर्मी यार अब ठीक ठाक है, मतलब जैसे ही बाइक रोको इमीडिएटली गर्मी लगने लगती है, वो भी काफी तेज।
ये देखो भैया जी अपना पैंट सुखा रहे हैं, बहुत बढ़िया टेक्निक है ये पैंट सुखाने की। मतलब जुगाड़ में इंडिया इतना आगे है कि जुगाड़ का भी कंपटीशन होगा तो इंडिया बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत जाएगा बाकी सारी कंट्रीज से। क्या भाई रोकना है यहाँ पे? चलो तो भाई 110 किलोमीटर की राइड करने के बाद अभी हम रोकेंगे और थोड़ा सा रेस्ट मारेंगे क्योंकि थकान हो गई है भारी। थकान नहीं मतलब ये सही होटल देख गया तो रोक लेते, नहीं तो फिर दोबारा मौका पता नहीं कब मिलेगा। यहाँ शेड भी है तो बाइक भी आराम से पार्क हो जाएगी। देख रहे हो ईयरफोन उसके कान में, फोन इसके पास है। ये सही यार, कोई मेरे को भी ऐसे ईयरफोन दे दो यार जिसमें गाने अपने मन से बजते रहे बस। जोधपुर से अराउंड 110 किलोमीटर आगे रॉयल रतन मिडवे रूम एंड रेस्टोरेंट है, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। और यहाँ हमने ब्रेक लिया, धूप और गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज है अभी तो 110 किलोमीटर में यार थक गए। थोड़ा नींबू पानी पीते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं और ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ के जो कि काफ़ी सही हैं। और हम अंदर एसी है बट हम लोग अंदर एसी में नहीं बैठेंगे यार क्योंकि गर्मी में से एकदम से एसी में बैठने पर ना तबीयत ख़राब हो जाती है। हम लोग बैठेंगे घास के नीचे छिल मारते हुए, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो हमने ये नींबू पानी मंगा लिया। और जीशान भाई कैसा लग रहा है राइड में? मज़े आ रहे हैं? बहुत मज़े आ रहे हैं मज़े आ रहे हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो हमारे सुपर राइडर रोड में क्या मज़े आ रहे हैं आज भी ना भाई। श्रद्धालुओं के लिए दो शब्द, श्रद्धालुओं के शब्द नहीं होते, हिम्मत होती है, हिम्मत होती है भाई। नंगे पैर आ रहे हैं, नंगे पैर आ रहे हैं, नंगे पैर आ रहे हैं सीरियसली, बड़े झंडे लोग नंगे पैर आ रहे हैं और बाइक पे तीन तीन दो दो। लेकिन यार एक चीज़ देखी, यहाँ कोई हेलमेट नहीं लगा था ना, हेलमेट का कोई ट्रेंड ही नहीं है, मतलब मास्क का ही नहीं है। मास्क वास्क तो चलो बहुत ऊपर की बात, मास्क की तो उम्मीद भी नहीं करते लेकिन हेलमेट थोड़ा लगा मेरे को, कोई भी नहीं लगा था पर ठीक है चलो कोई ना। एनीवेज पीते हैं नींबू पानी, चीयर्स। और अब भाई भयंकर खट्टा है, चीनी डाली नहीं उन्होंने, नींबू नींबू है बट ठीक है, गर्मियों में सब पीते रहना चाहिए, बहुत फ़ायदा रहता है बॉडी। हमारी हीट ख़त्म नहीं हो पा रही है तो उस हीट को ख़त्म करने के लिए हमने और ड्रिंक्स मंगाई हैं, मिनट मेड पल्पी ऑरेंज माजा जो कि जीशान भाई ने आधी पी ली है और नींबू फ्रेश। तो विनय आप क्या लेना पसंद करोगे? तीनों नहीं, तीनों नहीं मिलेंगी मिलेगी कोई एक ही, कुछ भी चलेगा। चलो और ये हमारी चॉकलेट जो विनय भाई की छोटी सिस्टर ने भेजी है हम लोगों के लिए, अभी ये खाएंगे हम लोग। तो लो जी जर्नी करते हैं स्टार्ट यहाँ से आगे। अभी भी हम लोगों को 215 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना है। वह जी वाह, गाड़ियाँ तो नहीं आ रही कहीं से? नहीं आ रही। एक बजने वाला है, एक बजी गया, लगभग लगभग 4 मिनट रह गए बस। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से चलाएं, अराउंड 100 किलोमीटर तो चला ही लें, गर्मी ज़्यादा है। बाकी लैंडस्केप्स तो बढ़िया हैं, आप देख ही रहे हो, काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है यार। वहाँ रुक गए थोड़ी देर, पानी वानी पी लिया खूब सारा, तो खूब सारी सुसु भी आएगी रुकना भी पड़ेगा। तो ये देखो बहुत सारे ऊँट रास्ता क्रॉस करने के लिए निकलते हुए, मस्त। बाकी अगर आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो यार वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, कर दो भाई सब्सक्राइब कर दो, हमारा भी सपोर्ट कर दो। और बाइक क्या आवाज़ निकाल रही, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़, हवा बहुत तेज है यहाँ पे, काफ़ी तेज़ हवा है, मतलब 90-100 की स्पीड में अच्छी हवा लगती है। आगे हम लोग बिल्कुल आंधी तूफान की गति से बढ़ रहे हैं जैसलमेर के लिए। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, बहुत ही अच्छी रोड है और बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं अभी। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, हम बाईपास से निकल जाएंगे, ये आगे पोखरण है। और पोखरण तो आपको पता ही क्या जगह है भैया, यही इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जिसके बाद इंडिया जो है न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हो गई थी। अब हम यहाँ से सीधा निकल जाएंगे जैसलमेर। आई थिंक अब ये रोड में ट्रैफिक कम मिलेगा भैया, बहुत ही बड़े गड्ढे में घुस गई बाइक, कुछ टूटा टाटा तो नहीं भाई? बहुत ही बड़ा गड्ढा था, नहीं लग तो नहीं रहा कुछ हुआ, ठीक है चलो, होंडा है भाई होंडा है, ठीक है ठीक है ठीक, आ जाओ। इतना बड़ा गड्ढा मैंने आज तक अपनी लाइफ में, मेरी बाइक कभी घुसी नहीं जितना अभी घुसी, पूरे सैडल बैग तक आगे आ गए समझो, धबाक बोल गई एकदम से।
अब भगाते हैं भाई, अब रोड बिल्कुल खाली सी दिख रही है यार, यहाँ कोई है ही नहीं। यो यो, तो अभी 170 किलोमीटर का सफर हो गया है पूरा और अब रोड जो है खाली है। मजे आने वाले हैं, मजे आने वाले हैं। भगा दो भगा दो, खोल दो पूरा एक्सेलरेटर। सही है यार, आवाज सुनाई दे रही है आपको बाकी बाइक्स की? ये देखो, मेरे को लगता है नहीं कि इससे बढ़िया आवाज कहीं है, मतलब मस्त आवाज निकालती है यार, जबरदस्त। क्या सड़क है यार, अब मजे आ रहे हैं बाइक चलाने में, सही में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। अभी पोखरण के बाद से जो बाईपास कटता है ना, गजब रोड हो जाती है उसके बाद, बिल्कुल कंफर्टेबली आप राइड करो। ड्रोन फुटेज लिया यार, क्या गर्मी है भाई साहब, धूप में यार हालत खराब हो गई। चलो विनय भी आ गया, अब स्पीड पकड़ते हैं। और ये विनय भाई ओवरटेक करते हुए, यो यो बेबी, क्या बात है जी, क्या बात है और क्या रोड है यार। ये है जी ऑथेंटिक राजस्थान, चारों तरफ रेत ही रेत और झाड़ियां और कुछ नहीं, और बीच में बेहतरीन सी रोड। वाह क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखो यार, यहाँ के गांव कितने सुंदर हैं यार। मस्त से यहाँ अलग तरह के ईंट लगाते हैं अपने घर पे, मे भी गर्मी ना लगे इसलिए लगाते होंगे। बड़े बड़े से ईंट है, ये मिट्टी वाले पत्थर है एक्चुअली, ये पत्थर लोकल, यहाँ पत्थर बहुत होता है। बाकी सही है यार, रोडें तो खतरनाक है यहाँ की यार। चाय तो नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चाय नहीं मिलती आपके यहाँ? चाय चाय आगे। पानी पी लो। पानी तो भैया हम अपना लेके आते हैं। देखो अभी ये खोला है, पानी खत्म हो गया क्या? हाय हाय, सीट पे तो भाई हाथ रख, थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दो, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है सीट, ऑमलेट बन जाए, सीरियसली ऑमलेट बन जाए। तो धो लिया हमें, अपना मुंह भी धो लिया अच्छे से, बड़ा मज़ा आया। ब्रेकर आ गई जी, ब्रेकर ब्रेकर स्पीड ब्रेक कर देते हैं। चलो भाई पकड़ते हैं रफ्तार। बाड़मेर 222, जैसलमेर मैंने 70 बताया था, एक्चुअली मैं 68, और उससे 40 किलोमीटर आ गए हैं सैंड ड्यून्स, यानी कि हमको अभी चलना है लगभग 110 किलोमीटर। परफेक्ट जी परफेक्ट, वी आर रेडी। चलो जी यहाँ रुकते हैं और करते हैं अपना लंच, टाइम हो रहा है 3:24, बाइक हमने चला दी है 240 किलोमीटर। रोड चेक कर लेते हैं, कोई आ तो नहीं रहा है? नो नोबडी इज कमिंग। हम रुके हैं, एक होटल है, होटल महेंद्र महेंद्र रेस्टोरेंट करके, वहाँ रुके हैं, ठीक ठाक है, देख सकते हो आप, अच्छा है। मतलब ये 240 किलोमीटर दूर है जोधपुर से जैसलमेर के रास्ते पे, तो यहाँ आप रुक के अगर खाना चाहो तो खा सकते हो, बाकी भी खाना कैसा है वो देख के बताते हैं। और ये देखो विनय भाई काम पे लग गए, कुछ ऑर्डर हो रहा है हमारा। आप कौन सी ले रहे हो? मैं तो स्वीट ले रहा हूँ, स्वीट ही लूँगा मैं भी। ये यहाँ प्रॉपर राजस्थानी जो डेलिकेसी है ना, कड़ी, सेव टमाटर की सब्जी और साथ में मीठी लस्सी। भैया मजे भी आने वाले हैं और नींद भी आएगी मेल के। चलो कोई ना, खाते हैं। दीप भाई क्या सीन है, चलें? तबीयत ठीक है? अब
किलोमीटर है बचे, कितना टाइम कितना बचा? अभी तो डेढ़ घंटा लगेगा, देख लो अगर और रेस्ट करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालत टाइट हो गई आज तक, गर्मी लग रहा है सर ना, जैसे चक्कर वाली फील चक्कर पूरा वो लग रहा है, गर्मी है एक्चुअली। वो ड्रोन के रुकना भाई, जहर हो गया, हालत खराब हो गई। आप ही बोल रहे थे फुटेज चाहिए मुझे। ड्रोन फुटेज थोड़ी ज्यादा डिमांड करती है इसलिए बोला था यार, हालत खराब हो गई। एक एडवाइस है, जो बाइक से आ रहा हो यार, इंटेंस धूप पर रुको मत, चलते जाओ यार। मैं ड्रोन के लिए रुक गया 15 मिनट अराउंड, हम लोग बिल्कुल धूप में खड़े रहे, उसके बाद जो तगड़ा हीट स्ट्रोक आया मेरे को, पिछले एक डेढ़ घंटे से हम लोग इसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, 5 बजने वाला है और बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। अभी भी सैंड ड्यून्स बताया जिसान ने कि 95 किलोमीटर दूर है, बट यार क्या करें, जाना तो पड़ेगा, टाइम की भी कमी नहीं तो सब कुछ ही छूट जाएगा, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे ट्राई करते हैं, अभी ठीक लग रहा है। मैंने चाय पी, चाय एक्चुअली अंदर से ठंडा करती है, तासीर जो बोलते हैं ना उसकी ठंडी होती है, पहले नींबू पानी वगैरह पिया फिर चाय पी, तो नाउ आई एम फीलिंग ए बिट बेटर। तो अभी चलते हैं, क्या ही कर सकते, चलना तो पड़ेगा यार, बाइकिंग में ये सब तो होता ही रहता है। चलो फिर GoPro पे मिलते हैं। चलो यार, अब तबीयत ठीक हो या नहीं हो, चलना तो पड़ेगा, फिलहाल थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी हेलमेट लगा लिया तो खैर हेलमेट के अंदर उतनी धूप नहीं आती है, पैडिंग भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर से बोलूँगा एडवाइस यही है, इतनी इंटेंस धूप पे रुको मत कहीं भी, अगर रुकना है तो छांव ढूंढ के रुको। मैं तो फुटेज के चक्कर में धूप में रुक गया, बैंड बच गई, अब नहीं रुकूंगा मैं धूप में। एनीवेज, हम जैसलमेर शहर पहुंचने ही वाले हैं, बस 1.5 किलोमीटर रह गया, इनफैक्ट आउटस्कर्ट्स तो स्टार्ट ही हो गए हैं, बट हमें यहाँ रुकना नहीं है, अभी जैसलमेर कल देखेंगे, अभी हम जाएंगे पहले कैंप्स में, सैंड ड्यून्स पे, सम जगह का नाम है सम। यहाँ कितना, 111 रुपये 18 पैसे, आपका कितना है? 1100 का। ये का बच्चा है। नहीं नहीं, इस बार ज़्यादा नहीं पिए। बस अरे बस बस भाई, फैल जाएगा। पता है मेरी गाड़ी भी बहुत कम माइलेज देती है यार, नेक्सॉन 10 का माइलेज देती है शहर में, काफ़ी महंगा पेट्रोल है यार यहाँ पे, 111 रुपये लीटर का। चलो चलो जी, बाइक की जी मेरी, चलो जी, भर गया है पेट्रोल जी, यहाँ तो बहुत ही महंगा है जी। यहाँ तो भैया स्प्लेंडर ले और मस्त घूमे, देखो सामने वाले भाई ने स्प्लेंडर ही ले रखी है, हम तो अपनी बाइकों में, तो यहाँ अगर मैं अपनी नेक्सॉन ले आया तो भाई साहब आग लग जाएगी, मेरी पूरा पैसा तो नेक्सॉन में तेल भराते भराते ही खत्म हो जाएगा, इतना महंगा तेल है यहाँ पे। और ये अगर आप मेरे राइट पे देखेंगे तो ये आपको जैसलमेर का किला दिखेगा, फोर्ट ऑफ जैसलमेर पीछे साइड से है ये। तो जी अभी हम सम के रास्ते पे आ गए हैं और सम यहाँ से दिखा रहा है एग्जैक्टली 40 किलोमीटर दूर, तो 40 किलोमीटर और दूर चलाते हैं बाइक, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे सम। ऑलरेडी हम चला चुके हैं 290 किलोमीटर बाइक, यानी कि 330 किलोमीटर के आसपास बाइक आज चलेगी। टाइम हो रहा है 5:40। सड़क है यार और क्या नजारे हैं भैया, दिल खुश हो गया, दिन भर की थकान उतर गई और जितनी तबीयत खराब थी ना सब सही हो गई। तो बस अब ड्यून्स पहुंचने ही वाले हैं, हार्डली 4 या 5 किलोमीटर दूर रह गए हैं, बस दिक्कत ये है कि अंधेरा हो गया है, तो अब समझ, रेत तो आपको बगल में ही दिख रही होगी, बट समस्या सिर्फ एक ही है कि अंधेरा हो गया है, तो अब ये नहीं पता लग पा रहा है कि हम लोग सैंड पे कुछ कर पाएंगे या कल सुबह ही करने मिलेगा, ये एक समस्या है ससुरी। यहाँ रुकते हैं और इस कैंप में पूछते हैं यार क्या रेट वेट है। तो अभी विनय और जीशान भाई अंदर गए हैं दोनों पता करने रेट, कैंप के क्या रेट है, कितना क्या है। यार यहाँ तो बहुत ही भयंकर लोचा है, इतनी देर से हम लोग कैंप ढूंढ रहे हैं, कोई कैंप भी नहीं खाली है, यहाँ पे सारे कैंप्स भरे हुए हैं और एक जो खाली है वो तो बहुत ही महंगा बता रहा है। तो भाई रात का 8 बजने वाला है और फाइनली हमें लग रहा है कि हमारा कैंप मिल गया। यहाँ सारे कैंप्स फुल हैं यार, और जो खाली हैं वो इतने बेकार कैंप्स हैं कि उनमें रहने का मन नहीं हो रहा था। तो आई थिंक ली रॉयल कैंप, जो फाइनली हमने अभी मेक माई ट्रिप में सर्च किया, तो यहाँ रूम्स अवेलेबल हैं और रूम्स भी अच्छे दिख रहे हैं, तो अब यहाँ देखते हैं क्या है फाइनल। ये तो भाई लेना ही, अब थक चुके हैं। तो फाइनली हमने ये ली रॉयल कैंप फाइनल कर दिया है और अब हम इसमें जो है चेक इन वगैरह सब हो गया है, सिक्योरिटी मार रहे हैं। फाइनली यार हम लोग रूम पे पहुँच गए हैं,
टाइम हो रहा है रात का 8। यार इस व्लॉग को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अभी ये व्लॉग खत्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग अभी स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड। और उसमें आज रात का मतलब थोड़ी देर रात दिखाएंगे, बट डोंट वरी सुबह भी हो जाएगी उसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कल का दिखाएंगे पूरा अच्छे से सीन। कल हमें कैमल सफारी करनी है, डेजर्ट सफारी भी करनी है जीप में, और मस्त बाइक भी दौड़ानी है थोड़ी बहुत रेत में अगर जा पाई तो। पार बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ठीक है फिर यार, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत 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 मोटिवेशन देता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंजॉय।